कामरापुर, जसपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, आपके महासमुंद, बड़ौदा बाजार, भाटापारा, कवर्धा, नांदगांव, ध्रुव, बस्तर के सातों जिला संभाग पूरा और धमतरी लेकर के पूरा गरियाबंद से पधारे सभी हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के स्वजाति भाई और बहनों, जाबा जीवा साथी, यहां उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज हम सब यहां पूरा प्रदेश के कोना कोना से हमारे एक संवैधानिक अधिकार के लड़ाई पर इकट्ठा हुआ है। बोला समझ में नहीं आए, हम जब इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ते हैं तो कथे के आदिवासी समाज है, गोंड समाज है, विशेषकर बावनगढ़ के राजा रहे थे और बावनगढ़ के राजा रहते सोना का सिक्का चलाने वाला ये आदिवासी समाज दूसरा ना देने वाला है, आज मांगने वाला कैसे होगी। आज हम संवैधानिक अधिकार के लिए हम सरकार से मांग कर जल जंगल जमीन के लिए सरकार से हमने मांगा था, केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि किसान भी समर्थन मूल्य बोनस जो है फसल बीमा के मांग करा थे, कर्मचारी भी अपन अधिकार की बात करे थे। पूरा प्रदेश में कहीं भी ऐसे नहीं है कि कोई आदमी मांगे तो ऐसे नहीं है कि शांत बैठे, सब हलाकान है। पहले बार बनी सरकार डॉक्टर रमन सिंह के तो कहें कि भाई रमन है तो अमन है, दूसरा बार बनी तो चमन हो गए और तीसरा बार होगी तो दमन हो। जहां भी गलत होते कहीं हम कह देते, व्हाट्सएप पढ़ा रहता होटल जी के हर संसद रहे ते तो कहीं कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर बे? मैं कतरो शायद जमन नहीं जाने ते मन कह देते, मैं 2004 में जैसे मैं संसद रहे तो पहली बार जहां पर हमर जो लोकसभा जो क्षेत्र है जो है सामान्य होते इसे जो सुरक्षित से सामान्य वो समय लड़ाई लड़े रहे वो समय बोला पार्टी है वार्निंग दे रही से होटल जी आप ये ठीक नहीं करा तो यदि आप मतलब कहना चाहिए सामान्य हुई तो भी आप जब तक लड़ना है केवल आप ही यहाँ से चुनाव लड़ना, दूसरा कोई नहीं लड़ी। मैं उस समय कह रहे हो कि मैं अपन मन नहीं लड़ा तो ये समाज के लिए लड़ा तो ये सीट सुरक्षित रही समाज सुरक्षित रही, मोला टिकट मिले ना मिले मोला परवाह नहीं लेकिन कोई ना भी मिली ये आदिवासी समाज ही यहाँ से संसद बनी एक खातिर हम लड़े। उस समय से मैं टारगेट में हो गए कई जगह मालूम नहीं, जिस समय 32% आरक्षण की जब लड़ाई लड़े 2010 के 27 फरवरी के जहां भी लाखों के संख्या में यहां ओपन स्टेडियम में आ रही है वो समय भी मैं संसद रही। कई जनमन भ्रमित करते शायद वो मालूम नहीं रहे तो कुछ भी बोल देते, मैं वो समय भी कहीं अपन तो मतलब ताक में रख के करे कि भाई सबसे बड़े जो जीते में पहले समाज है ओकर बाद ये संसद या सुहान कोटा ये मान के मैं चलते। जब मैं आउटसोर्सिंग के बात कर दे तो आउटसोर्सिंग के बात करें तो कि इनकी पार्टी वाला मन आउटसोर्सिंग बोले ते में पार्टी के जो है ग्राफ गिर गई, पार्टी जो है फतियत हो गई। मैं कह सोहन कोटा यार आउटसोर्सिंग बोल दी तो तुम्हार इज्जत गवा गए लेकिन राजेश मुड़त के सीढ़ी यहां जब चलीस तो पार्टी की इज्जत बढ़ गई। ब्रिजमोहन अग्रवाल है आदिवासी मन के जमीन ला कब्जा कर ली तो कर इज्जत बढ़ गई सरकार का, यहाँ के जो है आदिवासी हो चाहे यहाँ के छत्तीसगढ़िया है कोई हित के बात करते, समाज के हित के बात करते, किसान के हित के बात करते, अन्याय के खिलाफ लड़ते बोला कहते कि नहीं भैया ये हर हमारे पार्टी के विचारधारा की नहीं है, ये बाहर करो बाहर कर दो अच्छी बात है लेकिन जो लड़ाई तो खत्म नहीं हुई। आज जो जो विषय है अभी पत्रकार मन पूछा तो इन्हें कहा लड़ाई है, अमन के लड़ाई के शुरुआत तो बहुत पहले से रही से पहले लिखा पढ़ी से रही से पहले लिखा पढ़ी से कलम और कागज के काम चलत रही से और आज कागज कलम के साथ में तलवार भी चलत है आज के।
पड़ी। अब तलवार के बाद ना भाषा ना समझते सरकार, तो हम 6 तारीख 6 जनवरी के पहले आगाज करे रहे सर, आगाज पहले एक निवेदन करें कि भाई ये जो ऐसे ऐसे टाइप के बिल मत ला, भू राजस्व संहिता सही से ये लोग वापस ले। सरकार वापस तो ले ली लेकिन निरस्त नहीं करे। अब निरस्त नहीं करे कई झनमन कई दिन के लोग बाद में विचार किया जाएगा। आज भी हमला संदेह है यदि निरस्त नहीं कर ही विधानसभा में ले जा करके तब तक कभी भी लाए जा सकते। इसलिए जब तक निरस्त नहीं हो तब तक हमारी लड़ाई जारी है। समाचार पत्र में कुछ मतलब पढ़त रहे, कुछ विधायक मन कहत रही ने, कुछ और संवैधानिक पद में बैठे है तो मन कहत रही ने, ये अच्छा है ये जो संविधान संशोधन हो रही से भू राजस्व के, ये आदिवासी मन के हित में रही से है। ये लग दूसरा मन कांग्रेस वाला मन भटका दिन तो कोई और दूसरा भटका दिन, ये राजनीति करने वाला मन भड़का दिन। पहले तो जब वापस हुई तो वही मन वाहवाही लेना चल दी, हमार वो दबाव में सरकार है वापस ली। बाद में कथे नहीं ये बिल वापस अच्छा रही हिस्से आदिवासी मन के हित में। मैं एक दिन बोले जब हमार हित में ही से तो तुम्हारे वापस काबल ले आए भाई बताओ तो मोना है। जब तुम्हारे हमार हित ऐसी और विधायक मंत्री मान तो तुम लोग वापस नहीं लेना लेना रही से, यदि हमारे हित में रहती तो। आज बताना चाहता हूँ कि वो जो दिखा त्रिशो दिन नमन भैया केंद्र सरकार कथे जो भूमि अधिग्रहण करते ऊपर 4 गुना कीमत देना है बाजार रेट से, कथे 4 गुना। यदि 10 लाख है तो 40 लाख देना है, यदि 5 लाख का जो वहाँ बाजार कीमत है तो 20 लाख देना है। हाँ प्रति एकड़ में, लेकिन राज्य सरकार कथे नहीं हमन आधा देबो और आधा ओकर व्यवस्थापन में खर्चा करबो। आधा देबो मतलब 20 लाख के यदि कीमत होते यदि जमीन एक एकड़ के बोले कहते हम 10 लाख देबो और 10 लाख व्यवस्थापन में खर्चा करबो, लेकिन 5 लाख से अधिक नहीं, लेकिन 5 लाख से अधिक नहीं। यदि वो 20 लाख का जमीन है तो भी 5 लाख, यदि 50 लाख के जमीन है तो भी 5 लाख, यदि 1 करोड़ का जमीन है तो भी 5 लाख। ये हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह के कर, ये भी कई जो क्षेत्र है अभी औरंगदेव क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के नाम से वहां के लोग मतलब बेदखल करते हैं, वो चिन्हांकित कर दे है। तो कहीं सीता नदी अभ्यारण के नाम से बीजापुर में उदंती के नाम से, तो कहीं पर ये बयानार में जंगली जानवर के लिए सुरक्षित कर दे हैं। आदिवासी मन कहते ऐसे लगते कि जो है ट्राइबल से बड़े टाइगर हो गए, जंगली जानवर से भी बदतर आदिवासी, वहां से जंगली जानवर ला बसाए बा आदिवासी ला बेदखल। और लेकिन आज वो जंगली जानवर से भी एक बड़ा जानवर बन गए वेदांता, जो नया नहर में बयानार में जो है वेदांता ने दे दी 27 गांव फिर से विस्थापित। पहले तो जानवर के नाम से वो मतलब बेदखल, अब जानवर के बाद बड़े जानवर वेदांता के नाम से फिर बेदखल। समझ में नहीं आया सरकार क्या करना चाहते। हमन कथन आदिवासी समाज है, अनुसूचित जनजाति समाज है, जब पैदा लेते आरक्षण होकर आधार पर होते, लेकिन अभी डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के सरकार है एक नियम बना दे है कि आप मना आय सीमा निर्धारित करे, 3 मिलियन में आय सीमा 2,50,000, यदि 2,50,000 का के आय है तो होकर यदि होकर लड़का है उस शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते। यदि एक चपरासी भी है तो चपरासी यदि रेगुलर है ओला भी 2.5 लाख से ज्यादा सालाना मिली तो चपरासी के लड़का भी कहीं इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सके। अब कलेक्टर है तब तो बातें छोड़ो, लेकिन मैं कलेक्टर भी यहाँ बहुत सारे हैं रिटायर वाले, मैं कलेक्टर मन से ही पूछता हूँ कि आपने लड़का कलेक्टर है का नहीं है, तो चपरासी के लड़का चपरासी हो ही ओकरो गारंटी नहीं है। लेकिन वो लोग क्रिमिनल में ले ली सरकार, अब क्रिमिनल में ले ली तो आप ला उस शैक्षणिक संस्थान में आप ला कहना चाहिए कोई आरक्षण नहीं मिलना।
ऊपर से केंद्र सरकार ने और कहा थे अभी कि जो आरक्षण है पहले टॉपर रहे तो जो है सामान्य में भी होकर भर्ती हो जाती थी, लेकिन यदि टॉपर भी है वो सामान्य में नहीं हो ही बल्कि वो आरक्षित वर्ग से ही वाला सिलेक्शन होना है। और अभी अभी एक सरकार है 143 विकास खंड में अकाउंटेंट के पोस्टिंग करे है, होने वाला है निविदा निकल गए हैं 103 पोस्ट, 103 पोस्ट के यहाँ नियुक्ति होना है और 103 पोस्ट कहीं भी आरक्षण नहीं है, सब में 100% सामान्य वर्ग के लिए सब जगह की छूट निकाल दी है, ना वहां ओबीसी के लिए आरक्षण है, ना एसटी के लिए आरक्षण है, ना ही एससी के लिए आरक्षण है। यदि वहां एक साथ 103 पोस्ट निकलती तो 32 जोन हमारे ट्राइबल हो जाती, 12 जोन एससी के हो जाती, 14 जोन ओबीसी के हो जाती, तो नहीं ऐसा नहीं है, 103 के पोस्ट में सबके सब जनरल कर दी, समझ में नहीं आया। और यहाँ जतिक जन है, बहुत जन बेरोजगार घूमा थे और यहाँ कथे के बेरोजगार घूमा थे और ये तरफ कथे सरकार है कि यहाँ कोई भी योग्य नहीं है आदमी, यहाँ एक जन कहा यहाँ पर मास्टर के लिए आउटसोर्सिंग, अभी तुम्हें थोड़ा ताजुब हुई एक अनुसंधान वहां पर 63 पद है और 5 ठन प्यून है, वो पद में भी पूरा पूरा के पूरा पद, अब ये मान के चलो अब यहाँ के जो आदमी है यहाँ के पढ़िया है छत्तीसगढ़ संवाद, ये 63 पद विभिन्न पद है, 5 ठन पद प्यून है, एक तो जन छत्तीसगढ़ है नहीं है, सब बाहर से, सब बाहर से रिप्लेसमेंट कर दे है। अब बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में चपरासी के लिए भी कोई योग्यता चाहिए है? चलो मास्टर तो तेरे 8वीं तक फ्री में पास करा था, तुम नहीं पढ़ो नहीं, लेकिन चपरासी तो बन सकते वो भी बाहर से, ये का क्रूर मजाक है। ऐसे सरकार अभी जहां तक वो सोनी सोरी कहा रही से जे बेहतर सुनात रही से हमर लखवासी लखमा जी बतात रही से, वो तरफ कोई भी ज्यादा बोलते ओला नक्सलाइट के नाम से अंदर कर देते, आज कई सैकड़ों जो है बेगुना जमन आज हवालत के अंदर है, बेगुना है, और कई जन तो 9 साल 10 साल जेल से बाहर हो के बाइज्जत बरी, हम ऐसे कथा है को जो बाइज्जत बरी है जेकर जेकर सामने पुलिस से सबूत जुटाने पे जल बाइज्जत कोर्ट बरी करे है वो मना कंपनसेशन सरकार ला देना चाहिए, पहले फर्जी रूप से कोई इनकाउंटर हो है वो मना वो परिवार ने एक व्यक्ति नौकरी मिलना चाहिए और जतिक भी निर्दोष जो अंदर है वो मतलब बाइज्जत निःशर्त रिहा करना चाहिए सरकार ने, ये भी हमारा मांग। मैं पिछले बार हमन बीजापुर के रहे चेन्ना गेलूर पैदा गेलूर, ये तरफ हमार जो माँ बेटी के साथ किस तरह से वहां के जो जो खोर से वो सलूकी करते बड़ा बड़ा आश्चर्य लगते। अभी सुकमा के बाद पैदा क्या सुकमा के पास कोई गांव गेलन भैया बेलमा पारा, वहां 5 जोन वो में से एक जोन है जो महिला जेकर छोटे से लेकर रही से बाकी 4 जोन युवा है युवती है, अब वो जो मान रहा है वो किसकी मोर लेकर है छोटे से तो वो जो फोर्स वाला है ओकर स्तन ला निचोड़ के देखिन वास्तव में तोर लेकर है कि नहीं है, ते माँ हंस कि नहीं हंस तो ये परीक्षण करे ला पड़ती। मैं तो आज ये कहा थी कि हमारे शोषण हो इनका साथ अनाचार हो, मैं तो ये कहता हूं कि बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा कोंटा जो क्षेत्र है कोई भी मैं आदिवासी जो है
जो अविवाहित लड़की है कोई भी आज सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम बोले कि भाई का तुम आदमी होती अपन लोग लड़का की रक्षा नहीं कर सको, कथन भैया हमन जब रतन और हमला देखते तो कुंदा से मारते बूट से कुंथन हम डर के भगा जाता और घर में माई लोगन मर रहे और घर में माई लोगन मर रहे अंदर घुस के उनके साथ अनाचार हो। मैं कहूं जब दिल्ली के एक निर्भया के कारण पूरा देश कतार में आ जाते हाहाकार मच जाते, लेकिन आज आदिवासी क्षेत्र में हर दिन एक बेटी के साथ अनाचार होते ये देश लका हो गया, कम से कम छत्तीसगढ़ के क्या हो गए। अभी हमारे पिछले समय विश्वदिनी पांडे जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रवक्ता अपन डिबेट में कहते कि जसपुर और बस्तर के जो आदिवासी हैं अपन बहन बेटी से देह व्यापार करा के अपन जीव का पार्जन करके, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बोलीस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक ऊपर पर कार्रवाई है समझ में नहीं आया। आज हमन आज तो आए हम लड़े अपन अधिकार के, लेकिन जहां कहीं भी चाहे वो दंतेवाड़ा में हो चाहे वो कोरिया में हो चाहे वो सरगुजा की बात हो चाहे वो रायगढ़ की बात हो चाहे गोंडा की बात हो, कोई भी आदिवासी के साथ अत्याचार अन्याय शोषण होता है तो पूरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज रहा एक होना चाहिए, हर कोना से आवाज आना चाहिए। अब कहीं जाकर के हमर जो है शोषण और अन्याय जो होते हैं वो बंद हुए। आज ऐसे कई ऐसे मुद्दा है, जहां तक खनिज के मामला है, खनिज के मामला जो बोला थे अभी खनिज के मामला में तो वेदांता के जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के वेदांता मामला में महाराष्ट्र के, आपके जो उड़ीसा के जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है वो में कहते कि आदिवासी बताऊं जहां तक मैं बताता हूं वो में साफ कहे हैं आदिवासी के जो जमीन है कोई निजी ला निजी के हाथ में नहीं दिए जा सके, केवल सरकारी शासकीय उपक्रम में जहां रोड बनना है कहीं पर रेलवे लाइन बनना है कहीं पर और कुछ बनना है ओकर ही उपयोग के लिए ले सके, कोई निजी हाथ में नहीं दे सके। लेकिन आज चाहे रायगढ़ में जाओ चाहे वो जिंदल के मामला हो चाहे वो हिंडालको के मामला हो चाहे बस्तर में टाटा एस्सार के मामला हो, सब जगह निजी हाथ में देवाते सरकार। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहते फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र में कहते ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहते हैं कि आदिवासी के जमीन में यदि कोई खनिज है तो खनिज का मालिक वो आदिवासी होगा जिसका जमीन है। वो चीज भी आज हम सर्व आदिवासी समाज यहाँ मांग करते हैं सरकार से कि आदिवासी के जमीन यदि कहीं वहां माइंस है वहां पर कोई कोयला है या हीरा है या अबरा के जो भी माइन से खनिज संपदा है तो जमीन ला लीज में ले, वो चाहे 40 साल 50 साल लीज में लो और उन शेयर होल्डर बनाओ 20% का शेयर होल्डर। अब 20% के शेयर होल्डर और तुम ताली कम बजा तो मैं अभी घेरे हूं तमनार, तमनार में घेरे हूं एक एकड़ जमीन में कोयला री से, अब कोयला ला पता लगाए हमन एक एकड़ के जमीन में कोयला कती खोई तो बोले 100 मीटर तक कोयला है नीचे और एकर जो कीमत है 90 से 100 करोड़, यदि 20% का हमला शेयर होल्डर बनाई तो हमला 2 करोड़ मिली, 20% का शेयर होल्डर बनाई तो 20 करोड़ 2 करोड़ मिली और जमीन का मालिक बने रहा, जमीन के किराया अलग मिली, ये जो है ये मांग कर। आज जेकर सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण के शहादत दिवस हर साल मनाते हैं, आज ओकर धरती भी नीलाम हो गई, ओकर धरती भी नीलाम हो गई और हम चुपचाप देखा था ऐसे लगते भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण होते आज वही आदिवासी के साथ हुआ था। हमारे शहीद वीर नारायण के धरती ला ये सरकार हम वेदांता ला दे दी सोना निकाले वा अब अत्रो नहीं, हमारे जो क्रांति सेना वाला मन भाई मन है
बसना में पिछले समय शहीद वीर नारायण के प्रतिमा स्थापित करे रही। हमर जो समाज है ओला वहां के जो मारवाड़ी जनपद पंचायत वहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष है ओला उखाड़ के पोखलैंड में उखाड़ के कचरा पेटी में डाल दी। कहीं कुछ नहीं आवाज समाज में कहीं भी कहीं आवाज नहीं आई, प्रतिक्रिया नहीं आई। यदि प्रतिक्रिया उठाई तो हमारे क्रांति सेना वाला मन उठाए और वहां के आदिवासी मन उठाए, पूरा प्रदेश मनाथन पूरा प्रदेश भर में। लेकिन पूरा प्रदेश के जो आदिवासी समाज है वो कर कहीं से भी विरोध नहीं हुई, सब जगह विरोध होना चाहिए, विरोध करेला सीखो, यही अभी नारा लगाते रही से ना, लड़ेंगे तो जीतेंगे और नहीं लड़ेंगे तो कभी जीतेंगे नहीं। ये तो हमारा इतिहास है, कोई भी चीज बगैर लड़ाई के हासिल नहीं हो, चाहे अंग्रेज मन से लड़के हम, चाहे देश आजाद के बात हो, चाहे अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ हो, लड़के ही हमला कोई आजाद मने आज तक कोई चीज के प्राप्ति हुए है और आज भी हम लड़के प्राप्त करें। लेकिन जैसे आज हमारे कुछ विधायक साथी 29 विधायक ला हमें निमंत्रण दे रहे, सर्व समाज की ओर से यहाँ आना है, ये कोई पार्टी के नहीं है, ये सामाजिक मंच है, आप में लाना है, जेला आना रही से उमर नहीं आई। लेकिन ये हमार जो मांग है ओला जो है हमारे यहाँ के पिछड़ा वर्ग के है, अल्पसंख्यक वर्ग के भाई मन की ही कि आप मन के आवाज, आप जो मांग है जायज है और एक हमारे पुरजोर समर्थन करथन, ये मन करी। लेकिन वारे नलायक को विधायक संसद मंत्री मन समाज के नहीं हुई, समाज के नहीं हुई, जो पैदा करी सोकर नहीं हुई वो कभी काकरे नहीं हो सके। शायद वो मतलब डर रही से कि मैं चल दू आज के मंच में तो शायद मोला टिकट नहीं मिली। मैं आज इस सभा के महासभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आओ तुमन टिकट लेके हमार जो महासभा है तुमला भी टिकट भेज दी वापस फिर से। तुमला टिकट का ही मतलब है ना, टिकट लेके आ जाओ, भी टिकट हम भेज देवो, जरूरत नहीं है। और मित्रों मैं शुरुआत कर रहे हैं बावरगढ़ के, जो राजा हम राजा है, देने वाला मंगने वाला नहीं, लेकिन आज मंगने के नौबत आ गए है। यदि फिर से हमला देने के हैसियत अपन में पैदा करना है, फिर से राजा बनना है तो 2018 मिशन के सत्ता के चाबी हमारे हाथ में लेना पड़ी, तब फिर से उन मुकाम में पहुंच पा दे। हम जो 6 जनवरी के हम आंदोलन के हैं और 1 महीना के समय दे कि भाई 1 महीना कि हम समय देवो, 1 समय में निराकरण करें, कोई निराकरण की वापस ली सोकर बाद बाकी चीज के नहीं, फिर आज हम मजबूरन होके करने पड़े। लेकिन आज फिर हम आवेदन के माध्यम से 1 महीना के फिर सरकार लंटी में टल देवा था। अब 1 महीना में हमारे 21 सूत्री मांगला ओकर निराकरण नहीं कही, ओकर कोई समाधान नहीं करी, तो जे समय डॉक्टर रमन सिंह विकास यात्रा निकल ही हमारे आदिवासी समाज हर ओकर विनाश यात्रा निकल। पूरा ये जिला से वो जिला जही, हम जिला से गांव तक जाके ओकर जो है जो काम किए हैं 13 साल में, जो अत्याचार अन्याय जो शोषण होए ओकर खिलाफ हम गांव गांव तक अलग जगाना है। और अभी हमर जो है आज रावण भाटा हम कई जगह मांग करें ओकर हिसाब से आदमी मतलब बुलाए, जिस कई जन की इनकी 40 लाख आने वाला है, कहा है तुम्हारा आदिवासी 40 लाख, 40 लाख के हिसाब से मन कोई यहाँ रायपुर में ग्राउंड नहीं है, मेडिकल ग्राउंड कह दे मांगे तो कहीं की भाई बोला नहीं दे, ऐसा आयोजन के लिए आरएसएस के लिए दे सकते, काकरे बिहाव के लिए दे सकते और कोई कार्यक्रम के लिए दे सकते, यदि वो जगह नहीं मिल सकते तो केवल आदिवासी कार्यक्रम के लिए। ओपन स्टेडियम के लिए मांग करें बोला गलत चीज नहीं थे, मन केवल आदिवासी के लिए नहीं मिले। अरे ये जमीन हमारे, ये जमीन हमारे, ये धरती हमारे, हम ऐसे
खुद अपने आप तैयार करके यहाँ ये काम ये करे ना पड़े। मित्रों आज बहुत सारे वक्ता है, उन्होंने बहुत सारे विषय न रखे, मैं तो अतरे कहूँ हमारे यहाँ जैसे विशेष करके कांकेर में, कांकेर में 1971 में बंगाली मनाए तो मतलब व्यवस्थापन करे और वो में फर्जी रूप से और बहुत सारे आगे हैं। मैंने 1971 में 5092 परिवार, अब 5092 परिवार 1971 तक के अभी के हिसाब से आप अनुपात निकाल लो जन्म दर के तो 1.5 लाख नहीं हो सके, लेकिन आज 1.5 लाख होगी। मैंने 300 से ज्यादा जन्म अनुपात बढ़ गई, 300 से ज्यादा बढ़ गई अभी हिसाब में। तो बाकी कहां से आए हैं, अवैध रूप से घुस बैठी आए हैं। हमन यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो ओबीसी सब जन कथन हमन मूल निवासी के जगह ला सरकार छीना थे, बल्कि बाहर से आए शरणार्थी मला जगह देवा थे, यहाँ कौन तो सिंधी मला दे दी। वो कहने के मतलब वो मला देवा थे, हमला खाली करा थे। तो आज ऐसा कहना चाहिए वहां पर बंगाली मन 18 जन हमारे आदिवासी बेटी मतलब शादी करके नहीं, 18 जन सरपंच बना है शादी को जनी कति ढल करे प्रलोभन दे के लालच दे के शादी करे है और 18 जन सरपंच बन गए। आदिवासी बंगाली के साथ शादी करके सरपंच बन गए, मतलब हमारे जमीन ला भी खरीदे थे आदिवासी मन के ओकर नाम से, हमारे राजनीतिक लाभ भी लेते। इसी तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के कई अफसर जिला वो छाया हाई पावर कमेटी कही थी इसके फर्जी है, लेकिन आज तक उनकर मन के जो फैसला नहीं करते थे सरकार का, मतलब उनकर पर एफआईआर नहीं करवाते, नौकरी भी करते थे फर्जी रूप से, राजनीति भी करते थे फर्जी रूप से, और वो मतलब केवल बचा थे तो डॉक्टर रमन सिंह है केवल वोट के कारण बचाव थे ताकि मोला वोटे मन देते रहे। आज जनसंख्या आदिवासी मन के कम हुए थे, कर कारण का है भाई कैसे कम होते। हमारे यहाँ कांकेर में एक फार्मेट बना है, हर जिला में हर गांव में उकर सर्वे हुआ थे, वो में जैसे अन्य जाति भी है आदिवासी के साथ, तो उन्हें जाति लिखे पड़ी, गोड़ है तो ये, कंवर है तो ये, और उराव है तो फलाना ढेकाना, कतिक परिवार है अधि अन्य है तो कौन है, अन्य में साहू कला दो तीन जो भी हुई बोला, कुल टोटल संख्या आदिवासी के संख्या एकर संख्या टोटल कुल के अधिक संख्या ये हमारे पास प्रमाणिकता के आधार पे, ताकि कल के दिन में जब वो कहे कि संख्या यहाँ के कम है तो हम चैलेंज कर सकें कि यहाँ की संख्या कम नहीं है, तेह सर्वे करा है तो हमारे कल अभी सर्वे रिपोर्ट है, नहीं तो आपके पास कोई आधार नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मोर लोकसभा में ऐसे होकर स्टेशन गांड वीरान बता दी ने, मैं यार वहां जा करके खुद सर्वे कराया, वीडियो रिकॉर्डिंग कराया और बताया, बोला और बताया कि भाई ये वो गांव के पंचायत है, ये गांव के सरपंच है, यहाँ के आंगनबाड़ी के सीन है, यहाँ के प्राथमिक शाला के सीन है, अब कहीं जाके माने तो यही हमारे पास प्रमाण होना चाहिए कि हमरो पास रहना चाहिए सर्वे। हम केवल सरकार के सर्वे ऊपर नहीं चलो, अजी सरकार के ही सर्वे पर चलो तो हम धोखा खा जाओ। कल के दिन में हम आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं ये आदिवासी समाज है, केवल उसमें से गोड़ 80 लाख है, उसमें गोड़ समाज 45